तो व्लॉग की शुरुआत मैंने रात में ही कर ली थी। रात में मतलब थोड़ा सा सब्जी वगैरह काट के रख ली थी, उसके बाद मैंने सुबह ही कैमरा उठाया था। और मैंने बनाने थे परमल आलू की सब्ज़ी। वैसे तो मैं ये बनाती नहीं हूँ कभी, लेकिन फिर भी मैं वैरायटी के लिए ले आई थी परमल आलू के साथ बनाने के लिए। तो अभी बनाऊँगी सुबह, तो देखूँगी कैसे लगते हैं इन लोगों को। और फिर सुबह उठकर अपना रोज का वही है, पूजा पाठ का काम किया है, उसके बाद तुलसा जी को गई हूँ जल चढ़ाने के लिए। मतलब 15-20 मिनट तो मुझे लगते ही हैं इन सब कामों में। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन के अंदर। और मेरा नाम भारती है, मैं आपके साथ अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे और इन्जॉय भी करते होंगे। और आजकल मैं 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, बताना आप लोग मेरे को आपको कैसे लग रहे हैं वो। और ये सब काम करने के बाद फिर मैं अब चली रसोई के अंदर अपने दूसरे काम करने के लिए। और बाकी बाहर मेरे जितने भी प्लांट्स रखे हुए हैं उनके अंदर तो मैं सुबह ही पानी डाल देती हूँ, बस एक तुलसा जी वाला गमला रह जाता है, वो मैं बाद में डालती हूँ उसमें पानी नहाने धोने के बाद। कल ये दही जमाया था मैंने, और शाम को मैंने देखा ना तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हिल रहा था, तो मैंने कहा ये अभी तो इसको रहने देती हूँ 1-1 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं रात को इसे उठाना भूल गई और अब ये खट्टा हो गया। तो अब मैं बना रही हूँ इसकी परमल आलू की सब्जी, तो उसमें इसको यूज़ करती हूँ। पहले इसको छलनी में डाल के ना इसका पानी सेपरेट कर दूँगी तो खट्टा थोड़ा कम हो जाएगा। और अभी सावन चल रहा है ना, नहीं तो उसमें सावन में हम कढ़ी बनाते नहीं है, नहीं तो मैं इसकी कढ़ी बना देती ना तो बहुत टेस्टी बनती इसकी कढ़ी, क्योंकि दही अच्छा खट्टा हो चुका है। और मेरे पास ये एक छलनी है और इसके अंदर अब मैं ये सारा दही डाल दूंगी। और देखो ज़रा सी गलती से ये मेरा पूरा दही खट्टा हो गया। और अब खट्टे दही का और क्या ही यूज़ करें, बस सब्जियों में ही डाल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके इसका थोड़ा पानी अलग हो जाएगा और ये थोड़ी सी खट्टी कम हो जाएगी। तो देखो यूज़ तो करनी ही है, चीज़ वेस्ट तो कर नहीं सकते इसको। तो अब वही है कि बस सिंपल उसी तरीके से मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई के अंदर, और जीरा डालूँगी, थोड़ी प्याज डालूँगी और टमाटर भी डालूंगी, और उसके बाद मैं दही डालूंगी सब्जी के अंदर, तो अपनी बढ़िया सी सब्जी तैयार हो जाएगी। अब ये है कि पता नहीं इन लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, पर अपनी तरफ से तो मैं अच्छे से करके ही बना रही हूँ सब्जी को, तो देखते हैं इसका कैसा रिस्पांस मिलता है मेरे को। और इस बार फिर से टमाटर महंगे मिले हैं मुझे, मतलब 60 रुपये के एक पाव, और किसी भैया के पास तो 200 रुपये किलो भी थे। तो कुल मिला के ये है कि टमाटर अभी इस हफ़्ते महंगे ही हैं। देखो अभी अगले हफ्ते तक और क्या रेट आता है। और इसीलिए आजकल थोड़ा सा दही पे भी जोर है कि हाँ चलो जिस सब्ज़ी में दही डल सकती है डाल लेते हैं, बट टमाटर तो फिर भी चाहिए ही। और साथ में मैंने बना ली थी आज लाल मलका मसूर की दाल, और नमक और हल्दी डाल के चढ़ा दी थी, और उस फिर से वही प्याज टमाटर का उसमें तड़का लगाऊंगी और दाल हो जाएगी मेरी रेडी। हेलो जी, राधे राधे सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी यहाँ अच्छी। और अभी अभी प्याज व्याज काट के आई हूँ ना, तो आँखों में पानी आ रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो किचन में तो बिल्कुल पसीना पसीने ही हुआ जा रहा है। अब जा रही हूँ मैं लंच रेडी करने के लिए, और मिलती रहूँगी आपसे बीच बीच। और ये थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर भिंडी की सब्ज़ी है जो हमने नाश्ते में यूज़ की थी, तो ये हस्बैंड का ही नाश्ता लेके जा रही हूँ। और मेरी दाल भी रेडी हो चुकी है, सब्ज़ी भी मेरी बिल्कुल रेडी है, बस इस इन दोनों सब्जियों के अंदर और दालों के अंदर धनिया डालूंगी, गार्निश कर दूंगी और एक बार धनिया डाल के चला दूंगी। और जब थोड़ी सी सब्ज़ी या दाल ठंडी सी होने लग जाए ना, धनिया हमें उस टाइम डालना चाहिए ताकि धनिए का कलर ख़राब ना हो। और ये मैंने लगा ली है भगवान जी की ब्लेसिंग वाली थाली। शुक्र है भगवान का, जो भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है। तो ये है आज की हमारी सात्विक थाली, आप लोग भी इंजॉय कीजिए।
अब निकले हैं ये पापा बेटे, वो अपना लंच लेके गए हैं, वो भी अपना ब्रेकफास्ट लेके गया है क्योंकि उसको थोड़ा जल्दी हो रही थी और कहीं जाना था इन लोगों को ना काम से। और मैं भी अभी देखो 11:45 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। और रसोई की हालत दिखाती हूँ आपको, और ये रसोई की हालत हो रही है। अभी पहले नाश्ता ही बना लेती हूँ, उसके बाद ही कर लूँगी सारा काम, अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। और सुबह के बाद मैं सीधा आपको अब मिल रही हूँ शाम को। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, और पता नहीं आज बेटे का मन कैसे कर गया, कह रहा है चलो मम्मी बाहर घुमा के लाता हूँ। तो देखो अभी कहाँ लेके जाएगा, फिर मिलूँगी आपको रास्ते में। और आप लोगों को तो पता ही है मैं घूमने की कितनी शौकीन हूँ, तो जैसे ही मुझे बेटे ने बोला कि मम्मी चलो चलते हैं कहीं, तो फिर मैंने हस्बैंड से भी बात कर ली, तो वो भी फिर आने ही वाले थे ऑफिस से, तो हम लोग फिर चले गए थे थोड़ा सा चाट पकौड़ी खाने के लिए। वो लेके गया था हमारे को मॉडल टाउन फेज़ 2। पहले भी हम गए हुए हैं वहाँ पर, लेकिन अब काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं हम। मैंने सोचा तुम बोर होती हो वीकेंड पे, तुम्हें भी घुमा लाते हैं कहीं। सही सोचा, थैंक यू। ग्रुप लेके आया है हमारे को मॉडल टाउन फेज 2 द होस्ट पर। मोमोज मतलब चाइनीज आइटम के लिए अच्छा है ये, बहुत टाइम पहले हम आते थे यहाँ पर, अब हम बहुत दिनों बाद आए हैं। ये पता नहीं आज इसका कैसे मन कर गया कि चलो मम्मा आज घुमा के लाता हूँ, मिलूंगी फिर अभी थोड़ी देर में। तो होटल धो ही लिया जबकि भीड़ भी थी, बहुत तेज आज चल रहे ना। अब ये लेके आया है हमें गुजरांवाला टाउन नटखट। यहाँ खोमचे हैं बेसिकली, गोलगप्पे पापड़ी टिक्की मतलब सब कुछ ही है। और सब चाट पकौड़ी वगैरह एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर वापसी को। तो आप सभी को राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मेरा ब्लॉग 3 बजे अपलोड हो जाता है एक दिन छोड़ के, कभी कभी थोड़ा सा इंटरनेट की दिक्कत होती है तो मेरा ब्लॉग लेट होता है, अदरवाइज़ 3 बजे मैं अपलोड कर देती हूँ। तो राधे राधे सभी को।